हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सर्कल स्टडी पॉइंट में। और जैसा कि आपको बताया कि मैं आपके लिए ट्रिक बना कर लाता हूँ और बहुत से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो होते हैं मैं आपको ट्रिक से याद कराता हूँ। तो आज जो मैं करंट का टॉपिक लेकर आया हूँ और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो भी आपका PCS का एग्ज़ाम होने वाला है, हो सकता है आपको इसमें से क्वेश्चन फंस जाए। तो जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़, जो भी अभी अनाउंस हुए हैं। और अगर इस पेपर में आपको नहीं मिला तो ये मैं श्योर हूँ कि कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको जरूर से फंसेगा। तो मैं आपको मेडिसिन में जो नोबेल प्राइज़ मिले हैं 2020 के वो बताऊंगा और ट्रिक से बताऊंगा। ट्रिक से करेंगे हम नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन 2020। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन 1/3 साइंटिस्ट इन 2020 फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो जो इस बार मेडिसिन के क्षेत्र में जो प्राइज मिले हैं वो मिले हैं डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस की वजह से। मतलब जिन्होंने क्या करा था, डिस्कवरी की है हेपेटाइटिस सी वायरस की। तो ये जो नोबेल प्राइज़ है मेडिसिन में, ये इन्हें मिला है डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो चलिए हम ट्रिक देख लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इनके नाम। पहले हम आप एक ट्रिक याद कर लीजिए, एक कहानी की तरह से, अगर आपके एक बार दिमाग में बैठ गई तो आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो ये है हमारी ट्रिक भाई। एक माइकल था, माइकल जो था, एक बार क्या हुआ, माइकल की वाइफ चली गई अपने मायके, तो माइकल रह गया अकेला। अब उसने जो एक दिन पहले के बने हुए चावल थे रखे हुए, जैसे खा लेते हैं आमतौर पर लोग वाक बनाने की वजह से, तो माइकल ने वो चावल उठाए और वो खा लिए। अब वो जो चावल थे वो हो रहे थे हरे। अब हरे चावल माइकल ने खा लिए तो क्या हुआ भाई, पेट में दर्द हो गया उसके। तो वो गया मेडिसिन लेने डॉक्टर के पास। अब पेट में दर्द होता है तो मेडिसिन लेने ही जाते हैं लोग बाग। तो डॉक्टर ने उसे बताया कि भाई तुम्हें जो है हेपेटाइटिस हो गया है। अब हेपेटाइटिस हो गया है तो माइकल परेशान हुआ। तो ये थी हमारी ट्रिक। अब आप इसको एक बार देख लीजिए ध्यान से। माइकल ने हरे राइस, यानी कि माइकल ने हरे चावल खा लिए तो उसके पेट में दर्द हो गया। वो मेडिसिन लेने के लिए गया डॉक्टर के पास। जब पेट में दर्द होता है तो मेडिसिन लेकर आते हैं। तो उसे डॉक्टर ने बताया कि भाई तुम्हें हेपेटाइटिस है। तो अब हम देख लेते हैं इनके नाम। तो आप देखिएगा, माइकल से हो जाएगा आपका माइकल हॉकटन हो गया। हरे से हो जाएगा हार्वे जे ऑल्टर। राइस से हो जाएगा चार्ल्स एम राइस। तो ये हैं तीन लोग जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन में। और अब देख लीजिएगा मेडिसिन, ये याद रखिएगा मेडिसिन से याद रखिएगा कि मेडिसिन में मिला है इन तीनों को। मेडिसिन जो मैंने ग्रीन कलर से लिखा है मेडिसिन, तो याद रखना मेडिसिन के क्षेत्र में इन तीनों को मिला है। उसके बाद हेपेटाइटिस जो आया है तो याद रखिएगा किस लिए मिला है, डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस, इसकी वजह से इन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में तीन लोगों को मिला है। एक का नाम हो गया माइकल, एक का हरे, एक का राइस। माइकल हॉकटन, हार्वी जॉल्टर, चार्ल्स एम राइस। अगर आप इस ट्रिक को एक बार याद कर लेंगे तो गारंटी है कि आप कभी नहीं ये क्वेश्चन गलत करेंगे। ये 2020 के मेडिसिन के नोबेल प्राइज़ हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, कुछ जो मैं अब नोबेल प्राइज़ की बात कर रहे हैं तो एक ये जो क्वेश्चन इनसे पूछ लिया जाता है
कि पहला जो है यंगेस्ट पर्सन एवर टू रिसीव अ नोबल प्राइज, यानी कि सबसे यंगेस्ट पर्सन कौन है जिसे नोबल प्राइज़ मिला है, वो है मलाला यूसुफ़ज़ई, एज है इनकी 17। पीस प्राइज 2014 मिला है। फिर पूछ लेते हैं ओल्डेस्ट पर्सन की बात कर रहे हैं तो होगा जॉन बी गुडनॉक एट द एज ऑफ 97 रिसीव नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। उसके बाद ओनली वन पर्सन टू विन मोर देन वन अनशेयर नोबल, लिनस पोलिंग को रिसीव द प्राइज ट्वाइस, लिनस पोलिंग को 2 बार नोबल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में और पीस प्राइज में। ठीक है, उसके बाद आप देख लीजिए मल्टीपल नोबल प्राइज विनर, मल्टीपल, मैरी क्यूरी रिसीव द प्राइज ट्वाइस, नोबल प्राइज इन फिजिक्स एंड नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मैरी क्यूरी को मिला है, लिनस पोलिंग को मिला है केमिस्ट्री और पीस में, जॉन बार्डिन को मिला है फिजिक्स में 2 बार, फ्रेडरिक सेंगर को मिला है नोबल प्राइज इन केमिस्ट्री में। इसके बाद देख लीजिए आप एक चीज, इसके बाद ये यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज रिसीव द प्राइज ट्वाइस, नोबल पीस प्राइज। इन्हें क्या मिला है, UNHCR को 2 बार नोबल पीस प्राइज मिला है। और अब देख लीजिए पोस्टमसली यानी मरने के बाद जिन्हें नोबल प्राइज मिला है वो है एरिक एक्सल, कार्ल फील्ड, इन्हें मिला था लिटरेचर में 1931 में। उसके बाद नंबर 2 पर डैग हैमर्स क्वाड रिसीव नोबल प्राइज 1961 में। राल्फ एम स्टीमन, इन्हें मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन में 2011 में। और सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें चीज़ है, मैरिड कपल टू रिसीव नोबल प्राइज, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है तो आप याद रखिएगा, मैरी क्यूरी और पीरी क्यूरी, इन्हें फिजिक्स में नोबल प्राइज मिला था हेनरी बेक्यूरेल के साथ। दूसरे नंबर बताते हैं आयरन जूलियट क्यूरी, फ्रेडरिक जूलियट, इन्हें मिला था केमिस्ट्री में। गर्टी नंबर 3 पे आते हैं गर्टी कोरी और कार्ल कोरी, इन्हें मिला था मेडिसिन में। नंबर 4 पे आते हैं मैं ब्रिट मूजर और एडवर्ड आई मूजर, इन्हें मिला था मेडिसिन में 2014 में। और नंबर 5 में एल्वा मेडल रिसीव नोबल प्राइज, गुन्नार मेडल रिसीव नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंस, मतलब इन दोनों को अलग अलग चीज़ें मिला था, एल्वा मेडल और गुन्नार मेडल। और उसके बाद आते हैं नंबर 6 पर एस्थर डफलो, अभिजीत बनर्जी रिसीव नोबल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस। तो ये था नोबल प्राइज़ के बारे में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये नोबल प्राइज़ जो है स्टार्ट हुए थे 1895 से और 1901 से मेडिसिन वाले दिए गए थे। मेडिसिन वाले कब से स्टार्ट किए गए थे, ये किए गए थे 1901 से 1901 से, और 1968 से इकोनॉमिक्स में भी दिए जाने लगे थे। सारे नोबल पीस प्राइज कहाँ दिए जाते हैं, स्वीडन में दिए जाते हैं, बस पीस प्राइज दिया जाता है नॉर्वे में, पीस प्राइज। और ये तो आपको पता ही होगा कि अल्फ्रेड नोबल की याद में स्टार्ट किए गए थे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।